हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल जीजी यादव ब्लॉग्स। अभी हम मेड़कोटला रेलवे स्टेशन पे हैं, क्योंकि यहां से मैं अभी समालखा के लिए प्रस्थान करूंगा। हमारी ट्रेन में विलम्ब है। अभी हरियाणा में हो रहे 75वां सत निरंकारी समागम में हम उपस्थित होंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना यहाँ पर संत लोग हैं, जो सभी समालखा जाएँगे। अभी समालखा से एक स्टेशन आगे बोर्डवाल मांझी पड़ता है, वहीं पर देश का सबसे बड़ा संत निरंकारी समागम होने जा रहा है 75वां। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये आप हमारे आगे देख सकते हैं ट्रेन आ रही है, छत्रपति शिवाजी सुपरफास्ट एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक, जो अमृतसर से चल के मुंबई तक जाती है। इसी ट्रेन में अभी हम सवार होकर समालखा के लिए प्रस्थान करेंगे। समालखा से 3-4 किलोमीटर आगे एक जगह है बोर्डवाल मांझी, वहीं पे समागम स्थल बनाया गया है। हालांकि ये ट्रेन बोर्डवाल मांझी नहीं रुकेगी, हमको समालखा ही उतरना पड़ेगा। ये मेरा बोगी है S6, इसी में भी हम जाएंगे। निरंकार महापुरुषों, अभी हम समालखा में हैं। कुछ देर में यहां से बस आएगी बोर्डवाल मांझी के लिए, क्योंकि जो ट्रेन है सुपर फास्ट वो बोर्डवाल मांझी नहीं रुकती है। यहीं से हम लोग को बस अभी ले जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना यहां पर भीड़ लगा हुआ है। सभी संत महात्मा समागम में शामिल होने के लिए आए हैं बहुत दूर दूर से। समागम स्थल हम पहुंच चुके हैं। ये जो आप सत्संग समारोह देख रहे हैं, ये अभी बोर्डवाल मांझी में हो रहा है। जो बोर्डवाल मांझी है समालखा जिला में पड़ता है हरियाणा के, यहाँ पे बहुत दूर दूर से संत महात्मा लोग आते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं अंदर में समागम चल रही है। अभी दिखाइए, इसको बना बिल्कुल संत मनाए। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में एक यहाँ पे विचार देते हैं आके। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी महात्मा लोग आए हैं, सभी देश विदेश से भी आते हैं लोग। हमारे साथ मिशन के महात्मा जी जुड़े हुए हैं, आइए इनसे थोड़ा पूछते हैं इस मिशन के बारे में। क्या ये हमारे मिशन का उद्देश्य है, क्या बताते हैं महात्मा जी? आप ये बताएं, ये निरंकारी मिशन जो है विश्व भर में इनका कितना अनुयायी है, कितना मतलब लोग इनको फॉलो करते हैं, बताएं आप। दास से कहना, पहले तो दास अपना इंट्रोड्यूस करा दें। दास यूनियन नंबर 252 शिमला और सोलन क्षेत्र से है जी, और दास की सेवा दल कैंप ये ग्राउंड नंबर ए में है। दास हर साल यहाँ आता है, और जहाँ महात्मा जी बात करते हैं वो उद्देश्य ये है कि सारे संसार में ये प्रचार फैलाना है सतगुरु माता जी कि निरंकार रूप और साकार रूप में ये एक है। साकार रूप में माता जी है, निरंकार रूप में ये जो हमें दिख रहा है, और उद्देश्य एक ही है हमारा, एक मोटिव यही है कि सारे संसार में प्यार फैलाना है जी। और सदा एक मोटिव इस बार यही है हमारा समागम का, और यही हमारा मोटिव है कि जैसा सतगुरु माता जी चाह रहे हैं वैसा हम अपना जीवन बना पाएँ। और संसार के लिए भी यही कि यही अभ्यास मानती है सतगुरु माता जी के चरणों में कि पूरा संसार इस मिशन से जुड़ जाए और सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए अपनी सेवा करते हुए प्यार से कहिए। प्यार से कहना धन्य नकार जी। सतगुरु माता सुरक्षा सुरेंद्र हरदेव की जय।
हमारे साथ एक और महात्मा जी जुड़े हुए हैं महापुरुषों। यहाँ पे जो जितना भी शासन जन आते हैं महापुरुषों लोग आते हैं, महापुरुष लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? शासन मुझे प्यार से कहना, मैं देश राज्य यूनिट नंबर 250 शिमला क्षेत्र से आया हूँ। यहाँ तो पूरे विश्व से साथ संगत और सेवा दल आते हैं और सारे जगह से आते हैं यहाँ पे और सेवाएं करते हैं, भरपूर सेवा करने देते हैं, चारों तरफ सेवा सेवा करते रहते हैं। आप व्यक्ति और देख सकते हैं, आप दिखाइए इधर, जितना स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पे हैं, लाखों महापुरुष लोग आए हुए हैं देश विदेश से, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको एक भी कचरा तक नहीं मिल सकता है, थोड़ा सा भी नहीं। ये जितना भी महापुरुष लोग हैं सभी सेवा में लगे हुए हैं, निस्वार्थ दिन रात हमारे सेवा में ये लोग लगे रहते हैं। ये कोई जॉब भी करते हैं, कोई कहीं अपना अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। पिछला साल भी हम आए थे 2 साल पहले, क्योंकि 2 साल से बंद था कोरोना लेके सत्संग, और जब हम पिछला बार आए थे उस समय भी स्वच्छता का इतना ध्यान रखा गया था। आप जहाँ भी पंडाल में चल जाए, कैंटीन में चल जाए, आपको एक भी कचरा नहीं मिल सकता है वहाँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जितने भी संत महात्मा लोग हैं देश विदेश और हमारे देश के कई कोनों से आके सभी लोग सत्संग का आनंद उठा रहे हैं। पंडाल में भी लाखों लोगों को बैठने की व्यवस्था है, ये पूरा भर चुका है, फिर भी हमारे संत महात्मा लोग बाहर में बैठ के इस ठंडी में आनंद ले रहे हैं सत्संग का। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये जो पंडाल बना हुआ है, गेट द्वार है, कोटवाल मांझरी में है, ये हमारे समागम स्थल का भव्य गेट बनाया गया है कारीगरों द्वारा। कितना अच्छा दिख रहा है, कितना विशाल का है, आप देख सकते हैं। हमारे निरंकारी मिशन का एक ही मोटिव है कि पूरे विश्व को एकता के भाव में पिरो के रखना। अगर पूरा विश्व एक हो जाए तो फिर मानव का समस्या ही खत्म हो जाएगा, यही हमारे निरंकारी मिशन का मोटिव है। प्रयास होकर परोपकार भी होता है तो आपको ही समर्पित होता है, आपके चरणों में प्रार्थना है। इसी तरह अपने साथ रूहानियत का पाठ और इंसानियत के मार्ग पर। We'll be right back.